सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था, सरकारें हैं आती हैं जाती हैं। देखिए सपने देखने का राइट भगवान ने और कानून ने सबको दे रखा है अधिकार। अरे प्रधानमंत्री, मैं भी कहूंगा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो कैसे बन जाऊंगा, मैं मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। तो आधे से ज्यादा तो उसमें गुंडे की सरकार बैठी पड़ी है, कांग्रेस में, टीएमसी में, सपा में, यानी कि समाजवादी पार्टी में, उसके बाद जो ये लोकल पार्टीज होती है स्टेट, गुंडे पार्टी बैठी पड़ी है और कांग्रेस तो शुरू से गुंडे ही रही है। देखिए ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। उनको ये ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली, मैं पीठासीन अधिकारी बन गया और वाकई में वो पीठासीन अधिकारी बन चुके हैं। ठीक है, तो देखिए एक स्टेट जीतने से क्या होता है यार, जश्न इतना ज़्यादा मत मनाओ कि जनता तुम्हें लात मार दे, जैसे राजस्थान में मारने के लिए तैयार है जनता। और देखिए पॉलिटिक्स में कंपटीशन होता है, पॉलिटिक्स में चाहे कोई कंपटीशन में अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता, उसको सक्सेस रेट नहीं मिलता है, तो उसको पता होता है कि मैंने गलती कहाँ पे करी है, तो उसका बेस और तगड़ा हो जाता है क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा से पढ़ता है, गहराई से उसकी नॉलेज हो जाती है। तो वही सेम सिचुएशन बीजेपी के साथ है, अगर बीजेपी को सक्सेस। लेकिन जो विपक्षी हैं वो इस तरीके से जस्ट मना रहे हैं, जैसे ममता दीदी ने कह दिया इकट्ठे हो जाओ अब हराना है बीजेपी को, इस तरीके से। देखिए सपने देखने का राइट भगवान ने और कानून ने सबको दे रखा है अधिकार, लेकिन सपने इतने, देखिए सपने देख रहे हैं वो देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सपने तो सारे देखते हैं मैं आईएएस बन जाऊँ, लेकिन बनता उस बैच में से, हजार का बैच होता है उसमें से दो आईएएस निकलते हैं। तो वही सेम सिचुएशन, अरे प्रधानमंत्री, मैं भी कहूँगा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो कैसे बन जाऊँगा, मैं मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। मेरा टारगेट है डीजीपी बनने का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यूपीएससी दूंगा नहीं, एसपी बनना नहीं है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना नहीं है। मैं कहूँगा डायरेक्ट भगवान मेरे को डीजीपी बना दो, तो भगवान कैसे बना देंगे डीजीपी, भगवान भी कहेंगे अरे बेशराम पहले एसपी तो बन जाओ फिर डीजीपी बन जाइयो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने डीजीपी वाली बात कही, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक से अब राहुल गांधी का पीएम का जो वो है, वो रास्ता है, वो खुल गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैंने आपको क्या बोला, सपने देखने का सबको अधिकार है, कानून ने, भगवान ने सबको राइट दे रखा है, सपने देखिए, लेकिन सपने हर एक इंसान अपनी लिमिट में देखेगा। अब मैं कहूँगा कि भगवान मेरे को प्रधानमंत्री बना दो तो बेतुकी बात हो जाएगी, मैं हूँ कौन, ना पार्षद हूँ, ना सांसद हूँ, ना मंत्री हूँ, ना राजनेता हूँ, ना विधायक हूँ, तो कैसे बन जाऊँगा मैं प्रधानमंत्री। तो आधे से ज़्यादा तो उसमें गुंडे की सरकार बैठी पड़ी है, कांग्रेस में, टीएमसी में, सपा में, यानी कि समाजवादी पार्टी में, उसके बाद जो ये लोकल पार्टीज होती है स्टेट, गुंडे पार्टी बैठी पड़ी है और कांग्रेस तो शुरू से ही गुंडा ही रही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हो, वो हाल उनका राजस्थान से मिल रहा है कि नफरत की दुकान में मोहब्बत के बाजार खोलने आए हैं, वो राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम गहलोत दे रहे हैं उन्हें। ठीक है, और बात चल रही थी गुंडाई की, मैं आपको बताता हूँ, मैं करता हूँ बिहार स्टेट से बिलोंग, बिहार में अभी उसकी लालू यादव की सरकार, लालू यादव कांग्रेस का बहुत करीबी नेता है, आनंद मोहन से बड़ा बाहुबली बिहार में कोई था ही नहीं, आनंद मोहन की रिहाई करा दी उन्होंने, तो गुंडाई तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आनंद मोहन ने जय कृष्णैया हैदराबाद के आईएएस को मारा था, आप सोच सकते हैं एक आम आदमी को मारने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 कहता है आदमी फांसी के फंदे पर लटकता या फिर उम्र कैद होती है, उसने एक आईएएस को मार दिया यार। आईएएस डीएम को मारना बहुत बड़ी बात होती है, आपने एक ऑफिसर को मार दिया और आप जेल से वापस आ गए, और लालू यादव को भी ये गेम समझ नहीं आया। आना देखिए वो क्या मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ वो करने का, हाँ ये तो वही कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, शुरुआत से करते हुए, अरे बिहार की पूरी जनता तो उन्हें वोट दे देती है और धमकाया जाता है, पढ़े लिखे जो जनता नहीं उनको धमकाया जाता है कि हमें वोट दो नहीं तो हम शूट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लालच दिया जाता है, 500 रुपये देकर वोट दिला देते हैं। अब गाँव की जनता के पास इतना दिमाग नहीं होता, उनको पता नहीं होता राजनीति खेल क्या होता है, तो वो मजबूरी में वोट दे देती है। सरकारें हैं आती हैं जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था, सरकारें हैं आती हैं जाती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेट दो स्टेट कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट का, तब तक वहाँ फंड अपने जेब से लाएंगे, फंड अपने जेब से थोड़ी ना लाएंगे, सर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे झुकाने हैं। ठीक है, उससे बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने के सबको राइट दे रखा है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर बोलिए। जी ने रुकी हुई थी, मेरे को बहुत खुशी है कि मैं दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहता हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले मैं मुंबई गया था तो वहाँ पे मेरे को किसी ने पूछा कि कहाँ से आए हो, बोले कि हम बिहार से बिलोंग करते लेकिन रहते दिल्ली में, तो उसने पता क्या जवाब दिया कि तुम उसी राज्य के लोग हो ना कि जहाँ के सीएम को ऑटो वाले ने थप्पड़ मार दिया, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं दिल्ली का वासी हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ, वासी नहीं हूँ, निवासी हूँ।
दोनों मंत्री जेल में बैठे, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, दोनों मंत्री जेल में बैठे। ये बहुत शर्मनाक बात है देश के लिए और किसी राज्य के लिए कि स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों जेल में बैठे पड़े हैं। एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम किसने चलाया? वो तो लोगों को बिगाड़ रहे हैं और ऊपर से कहते हैं हम जनता को हर एक चीज़ फ्री फ्री फ्री। आज जाकर आप DTC की हालत देख लीजिए कि क्या हालत हो चुकी है DTC की। अगर आप कह रहे सारा जो यहाँ का विकास था वो LG ने रोका हुआ था, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अब हम करेंगे विकास, विकास क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करने वाले, आंदोलन करने आए थे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, 45 करोड़ का सिस्टम बना के बैठे हैं। भाई मैं तो देखना चाहता हूँ केजरीवाल जी, ये 8 करोड़ 8 लाख रुपए का पर्दा कैसा था? मैं तो 400 वाला पर्दा यूज कर रहा हूँ। आप आपने हम जैसी सीधी साधी जनता को बेवकूफ़ बनाया है, इसका परिणाम आपको अगले विधानसभा में मिलेगा और निश्चित तौर से कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपको मिलेगा। सबसे वजनदार जानवर होता है हाथी, सबसे वजनदार सबसे ऊंचा जानवर होता है जिराफ। जब पूछा जाता है जंगल का राजा कौन, तो शेर। तो हमारे जंगल का राजा है मोदी जी और योगी जी। जैसे वो कह रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है, वो बोलते हैं ना विपक्ष कि जंगल राज चल रहा है, तो मैंने उन्हीं का ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। तुम कंपेयर करो हमें जंगल राज से, हम तुम्हें जंगल राज से कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ का कानून है भाई? तुम हमें चोर बोलो, हम तुम्हें चोर नहीं बोल सकते। चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? कौन चोर? आप किसको बोलना चाहते हैं? मैं किसी को चोर नहीं बोलना चाहता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो हमें जंगल राज बोलेंगे, हम उनको जंगल राज नहीं बोल सकते। कहाँ का कानून है भाई? कहाँ का कानून है? कहाँ का कानून है बताइए मुझे? तुम सपने देख लो, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य जीत लो, कोई दिक्कत नहीं। जो बजरंग दल को बैन करने वाली बात थी कर्नाटका में, वो तो अब वो लोग कह रहे हैं कि हम वो करेंगे आते ही अपने उसमें। बजरंग दल, मैं अब आपको बता दूं, वो संगठन है कि जब सरकारें नाकाम हो गई थी 1985 में, तो बजरंग दल का गठन किया गया। बजरंग दल का काम होता है कि जनता की सेवा देना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म का प्रचार करना, बजरंग दल का ये काम है। तो बजरंग दल जैसे सत्य सनातन ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि परिषद को कैसे आप बंद कर देंगे? आप में है कैपेबिलिटी, आप बंद कर दीजिए। अगर आप, मैं आपको बताना चाहूँगा राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की पूरी टीम को, कांग्रेसियों मेरे को ध्यान से सुन लो, साहिल कुमार चौधरी नाम है मेरा, अगर तुम बजरंग दल को बैन करोगे तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं बचेगा कि तुम बजरंग बली का नाम ले सको। जिस तरीके से कहा गया कि राहुल गांधी से उनका बंगला छीना, तो उन्होंने बेंगलोर छीन लिया। सिर्फ किताबी कहावतें हैं, किताबी कहावतें कहना बंद कीजिए, मुद्दे पे आ जाइए। आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी बंगला छीना, बंगला छीना तो लाइफ टाइम के लिए छीन लिया तुमसे, और तुमने कर्नाटक जीत लिया तो लाइफ टाइम के लिए जीत लिया। कहाँ से लाओगे पैसा? जब तक केंद्र सरकार नहीं देगा तो कहाँ से लाओगे? अपने जेब से लाओगे पैसा?